आई थिंक इस टाइम पे ना हमारी तरह गरीना भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जस्ट आज के दिन पे एक अपडेट आया था जो इन गेम न्यूज सेक्शन है वहाँ पे नो प्लेयर ट्रांसफर का न्यूज आया था। तो वैसे देख के मैं तो देख के बहुत ज्यादा शॉक हुआ था एंड मैंने एक्चुअली नोटिस नहीं किया था। मुझे यू नो एक प्लेयर ने भेजा कि ये देखिए और भाई ऐसा कुछ सीन हो गया जहाँ पे नेपाल के जो प्लेयर्स हैं जो पहले इंडियन सर्वर में खेलते थे, नेपाल का कोई सोलो सर्वर तो बन नहीं रहा है, उनको बांग्लादेश के सर्वर में शिफ्ट आउट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा यू नो अलार्मिंग न्यूज था यू नो टू ऑल द नेपाल के प्लेयर्स एंड इवन सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो नेपाल के प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। इससे बड़ा प्रॉब्लम वाइटालिटी, उसके बाद उरांग उटांग, उसके बाद आपके माफियाज, ना जो भी नेपाल के प्लेयर्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में खेले, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता क्योंकि वो खेल नहीं पाते। सो अब ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट ऑफ कोर्स बन जाता है क्योंकि ये चीज गरीना ने दिया है। अब उन लोगों ने बोला है कि ये यू नो गेम को गेम के एक बेटर कॉम्पिटिशन के लिए ताकि गेम को सही तरीके से खेल सके इसीलिए ये मूव लिया गया था। बट आधे घंटे बाद अपडेट आता है कि न्यूज हट गया है, मतलब लाइक वेरी कंफ्यूज अगेन। यहाँ तो मुझे लगा कि उसमें कुछ तो चीजें मिसिंग था। तो जो टीम्स या फिर जो प्लेयर जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ऑलरेडी उनके प्लेयर्स को लेके आए हैं, मतलब नेपाल से वो इंडिया में आके खेल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। मतलब लाइक उन लोगों के लिए कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए कि लाइक उन लोगों ने क्या गलती की कि वो नेपाल से आके इंडिया में खेल रहे हैं ना। लाइक वो नेपाल में बैठे तो नहीं खेल रहे, बात समझ रहे हो कि अगर वो नेपाल में बैठ के खेल रहे होते इंडिया का सर्वर तो फिर अलग बात होता। बट अगर नेपाल के प्लेयर्स अगर इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में हैं एंड वो फिर इंपोर्ट्स खेल रहे हैं, बट एक तरीके से अगर ये भी मैं बोलूँ तो वो दूसरे नेपाल के प्लेयर्स के लिए अनफेयर हो जाता है कि वो भी फिर आवाज़ उठा सकते हैं कि फिर हम क्यों नहीं, वो सिर्फ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में है इसीलिए वो इंडिया के सर्वर्स में खेल सकते हैं, बाकी लोग नेपाल के सर्वर्स में, हम लोग नेपाल में बैठे हुए हैं तो हम लोग इंडिया में नहीं खेल सकते, तो अच्छी बात है ना। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा यू नो एक हॉट टॉपिक या फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कुछ डिबेट किया जा सकता है। बट एनीवेज अभी तो हट गया वो न्यूज सेक्शन से, पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए 21 तक आई थिंक ये चीज़ लागू हो जाने वाला था और बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीनशॉट शेयर हुआ था पहले 25 तारीख से एवरवाइज शुरू होने वाला था। लाइक वेरी मच कन्फ्यूज अभी के लिए, क्योंकि गरीना ने उसको तो अभी तक कुछ बोला नहीं कि हमारा 25 तारीख से क्लोज क्वालिफायर लाइव जा रहा है, ठीक है, अभी तक ना ही वो लिस्ट शेयर किया गया है। तो बहुत कुछ अभी अननोन है हमारे पास, कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ कुछ चीज़ें फिर गायब हो जाती है यार। मतलब कभी कभी मैंने बोला ना लाइक अभी तो मतलब फुल कन्फ्यूज सीन चल रहा है, सब कन्फ्यूज पड़े हैं। और जल्द शायद गरीना की तरफ से एक अपडेट आ जाएगा, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, एटलीस्ट अभी कुछ आके गायब भी हो रहा है तो वो अपने में एक मैं बोलूँगा पॉजिटिव चीज़ है। बट अभी मैं बोलूँगा कि धैर्य रखो और क्या, यही थोड़ा सा आके आप लोगों के साथ बात करना था। आप लोगों को पता है कि मैं जब भी मेरे चैनल पर लाइव आता हूँ, लाइव तो अभी एक्चुअली आ नहीं पा रहा हूँ, तो वीडियो बना के आप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ। गाइस लाइव भी आऊँगा, थोड़ा वेट कर लो। एंड आई थिंक मैं अभी मुंबई भी जा रहा हूँ, तो मुंबई जाके लाइव करेंगे, टेंशन नॉट, थोड़ा काम भी है एंड थोड़ा मतलब घर के काम वाम थे तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यू नो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वीडियोज़ बना के आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। डोंट वरी, लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, बट तब तक के लिए ऐसे ही बातचीत चलती रहेगी। आप लोग बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।